इन दिनों पाकिस्तान में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। पाक पीएम इमरान खान की कुर्सी लगातार खतरे में दिखाई दे रही है, जिसे बचाने के लिए इमरान कभी जनरली का सहारा लेते हैं तो कभी अपनी जादुई बीबी के टोटकों का सहारा लेते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इमरान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि देश की सत्ता पर दावेदारी अब असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोर्ट में कल क्या हुआ? दरअसल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सियासी ड्रामे को लेकर चार दिन सुनवाई चली। कोर्ट ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज करना और नेशनल असेंबली भंग करना दोनों काम गैर कानूनी थे। प्रधानमंत्री इमरान खान को ये अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति से संसद भंग करने को कहें। तो अब सियासी पेच के बीच पाक की राजनीति में सरकार फंसी हुई है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या शहबाज शरीफ इमरान को पीएम की रेस में हराकर सत्ता में काबिज हो पाएंगे, या फिर इमरान कोई जोड़ तोड़ के जरिए अपनी सरकार बचाने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेस्क।